आप सबका फिर से एक बार हमारे इंडियन विला में। आज हम लोगों ने मतलब छुट्टी है हमारी आज, तो हम लोगों ने भी आज फिर से प्लान किया कि कोई और एक नई जगह पे जाए, क्योंकि एक दो दिन से यहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा है, मतलब ठंड थोड़ी कम है, इतनी भी कम नहीं है क्योंकि कम है, बट क्योंकि अभी कंटिन्यू बादल है और बादल की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी कम रहती है, और जब बारिश भी होता है तब भी ठंड थोड़ी कम रहती है, और जब ओपन रहता है लाइक धूप होता है तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ऐसा नहीं है कि धूप है उसी वजह से ठंड कम लगती है। अभी हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, और अभी विंटर में या आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम 3:30 या 4 बजे तक पूरा डार्क हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है 4 बजे तक। 4 बजे के बाद कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, ऐसा ही लगता है कि रात हो गई है और हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, कहीं पे बाहर जा भी नहीं सकते। अभी दोपहर है और अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है कि अभी थोड़ा उजाला रहे। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ कहाँ पे जाए, लाइक अभी कंटिन्यू 1-1.5 महीना ऑफर्स भी रहेगी हर एक चीज़ पे, कुछ भी आपको शॉपिंग करना हो, जो लोग भी यूके में है और वो लोग, अभी ये 1 महीना है इसमें काफ़ी ऑफर्स रहेगी, सब लोग परचेस भी कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेट्स सी, अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ से जाने का, अभी देखते हैं कहाँ पे जाता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। ओके सो देखो, ये मैडम कंटिन्यू अभी मेकअप कर रही है क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि रेडी होकर, अच्छी तरह से रेडी होकर बाहर जाना अच्छा लगता है ना। अच्छे से रेडी होकर जाना भी, और आप करोगे थोड़ा थोड़ा, अगर आपको पसंद है, मुझे आई मेकअप ज़्यादा पसंद है, तो आपका हाथ ऐसे जल्दी से बैठ जाता है, तो फिर आपको टाइम नहीं लगता करने में। हाँ, तो और अगर इससे आप करते रहो, फिर अगर आप वो कभी कभी करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा मेकअप करने में, क्योंकि आपका हाथ बैठा हुआ नहीं होता है। और उसका ना मतलब पहले से ऐसी हॉबीज है, ये देखो ये कलेक्शन देखो इसका, क्या क्या चीज़ है इसके पास, मुझे तो इसमें से कुछ भी पता नहीं चलता, बट इसका कलेक्शन अच्छा है। मैं अपना मेकअप कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, और आप भी ट्राई कर सकते हो, तो लाइक बहुत अच्छी है। ये ब्लू मस्करा है, आई थिंक इट्स फ्रॉम बेनिफिट, बट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पार्टी में रात को कहीं भी जाते हो, कि कहीं पर भी, लाइक आप ब्लू मस्करा करोगे और इतना आई मेकअप लाइक लाइट लाइट करोगे, तो यू लाइक लुक ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा लगता है ये ब्लू मस्करा, थोड़ा लाइट लाइट कर लो बस। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये थोड़ी सी अच्छी जगह है, लाइक समर में ये बहुत अच्छी जगह है, इसको डक पार्क बोलते हैं, लाइक आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा लेक है और ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको ना ये देखो मेरे पीछे ये सब डक दिख रहे हैं। यहाँ पे सब लोग, बहुत डक होता है पूरे ये लेक में, पूरे डक होता है और यहाँ पे सब लोग उसको फीड करवाने के लिए भी आते हैं। लाइक क्या क्या खिलाते हैं इनको? ब्रेड, चपाती वगैरह देते हैं, सीड्स देते हैं, लेकिन इधर पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से सारा कुछ बंद कर दिया है कि कुछ भी हम डक को नहीं दे सकते। हाँ, वरना इतने सारे डक है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लाइक विंटर में बहुत ठंड रहता है कंटिन्यू, लेकिन क्योंकि ये पानी की वजह से और पब्लिक बहुत कम होती है, पर समर में यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है, सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है, देखो ये सब लोग डॉग को बहुत यहाँ पे लोग फीड करवाते हैं, लाइक ब्रेड्स वगैरह ये लोग खाते हैं, तो इनको इसके लिए लोग लेकर आते हैं और लोग सब लोग पानी में डालते थे, लेकिन फिर पूरा ये बंद कर दिया क्योंकि इसी ब्रेड वगैरह अलाउड था और बाकी सब लोग भी कुछ और ज़्यादा डालते थे, गवर्नमेंट ने पता नहीं बंद कर दिया हुआ है। अभी ये अच्छा प्लेस है लेकिन, और ये समर में बहुत अच्छा लगता है, और ये शायद शी बर्ड है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये पूरा शी बर्ड है मेरे पीछे, ये यहाँ पे पूरा बहुत है और ये पूरा सब डॉग है, और ये रूट ऐसा है कि समर में अगर आप ये रोड देख रहे हो, ये रोड जाता है पूरा लेक को घुमा कर आपको यहाँ पे लाते हैं, और ये समर में हर कोई यहाँ पे वॉक करने के लिए आता है, और
लाइक रनिंग कर सकते हो, लाइक एक्सरसाइज कर सकते हो यहाँ पर। ये सब लोग साइकिलिंग करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर साइकिलिंग सब लोग बहुत यूज़ करते हैं समर में। सो वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और कंटिन्यू पूरा राउंड, ऑलमोस्ट ये 2 or 3 miles का राउंड होगा यहाँ पे पूरा सर्कल। सो ये सब लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं। ये पीछे मेरे साथ देख सकते हो वो हिल पे मतलब एक एलिफेंट का स्टेचू वगैरह है। सो वहाँ पे भी हर कोई जाता है और वहाँ पे भी एंजॉय करता है। सो ये प्लेस हमारे लिए बहुत अच्छा है। लाइक हमें कभी भी टाइम मिलता है लाइक यहाँ पे आओ, अगर आप राउंड करते हो यहाँ पे घूमते हो सो आपको वो साइड अच्छी तरह से बैठने के लिए भी जगह मिल जाती है और वहाँ पे अच्छी तरह से बैठो तो इतना पीसफुल लगता है आपको ये एनवायरनमेंट में। ओके सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और अभी यहाँ पे ये फेस कवरिंग मास्क कंपलसरी हो गया हुआ है क्योंकि बीच में 1-1.5 महीने पहले गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया था कि ये पब्लिक प्लेस में आप लोग मास्क वॉलेंटरी है, जिसको पहनना है वो पहन सकते हैं, जिसको नहीं पहनना है वो लोग नहीं पहन सकते। बट अभी ये विद इन लास्ट मंथ से लाइक 15 days अगो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया हुआ है कि अगर आप कुछ भी लाइक पब्लिक प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ पे भी जाते हो सो आपको मास्क कंपलसरी है क्योंकि कुछ केसेस बढ़ रहे हुए हर एक सिटी में। अभी आप सबको न्यूज़ में पता होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ अभी बंद है और हम लोग भी अभी प्लान कर रहे थे लाइक सोच रहे थे कि हम लोग अभी इंडिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ लाइक जनवरी में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा सिचुएशन है कि अभी फ्लाइट्स लाइक 15 December से ऑलमोस्ट सब सस्पेंस करने वाला है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह। और ऊपर से अगर तुम लोगों को जाना भी है सो यहाँ से अगर तुम लोग इंडिया में जाते हो सो उससे पहले आपको एक PCR टेस्ट वगैरह करवाना रहता है। PCR टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको वहाँ पे जाते हो तो आपको फिर सेल्फ आइसोलेशन कुछ 7 दिन तक करना पड़ता है और वहाँ पे इंडिया में भी आपको फिर से कुछ टेस्ट वगैरह एयरपोर्ट पे करवाना होता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है लाइक कुछ 6 या 7 घंटे जैसे टाइम लगता है। अगर आप लोगों को वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही कुछ ऐसा करना पड़ता है कि टेस्ट आने रिजल्ट आने तक आप वहाँ से निकल नहीं सकते और 7 दिन तक कुछ आइसोलेशन करना पड़ता है और यहाँ पे जब रिटर्न आते हो तो यहाँ पे भी 10 दिन का कुछ होम क्वारंटाइन आपको करना पड़ता है। सो ये सब सिचुएशन की वजह से अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया जाए कि ना जाए, अभी सिचुएशन ऐसा है इसलिए अभी हम लोग शायद प्लान पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि एक बार हम लोग कोविड टेस्ट करवा ले और आज हमको फाइनली टाइम मिला और हम लोगों ने बुक करवाया, आज सुबह ही बुक करवाया और अभी शाम को अपॉइंटमेंट मिल गई और नज़दीक में लाइक सेंटर होता है वहाँ पे जाकर हम लोगों को कोविड टेस्ट करवाना होता है। नॉर्मल ईजी होता है लाइक स्टिक होता है वो आपको माउथ में ऐड करने की होती है, उसके बाद नोज़ में ऐड करने की होती है और रिजल्ट 2 या 3 दिन में आ जाता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। सो लेट्स सी, हम लोग ऐसे सोच रहे थे काफ़ी टाइम से तो आज हमें टाइम मिला सो हम लोगों ने भी करवा दिया। सो फाइनली गाइस वी रीच्ड अवर होम और हम लोगों ने अभी कोविड टेस्ट करवा। यहाँ पे पूरी प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन ही होता है लाइक हमने ऑनलाइन टेस्ट बुक किया लाइक वो लोग नॉर्मली ऑनलाइन से पूछते हैं, लाइक 2 or 3 मिनट का प्रोसेस होता है ऑनलाइन।
government.uk की वेबसाइट पे जाने का, सिंपल आपको कोविड टेस्ट बुक करने का, और आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का पोस्ट कोड डालोगे सो आपको नियरेस्ट सेंटर दिखा देगा कि कहाँ पे आप लोग जाके टेस्ट करवा सकते हो। सो हम लोगों ने ऐसे सुबह ही बुक किया और अभी शाम की अपॉइंटमेंट हमें मिल गई, तो हम लोगों ने कर ली। इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, लाइक आपको वहाँ पे जाके अगर सेंटर में जाके टेस्ट करवाना है, या फिर आपको घर पे कुछ किसी को लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ज़्यादा एजेड होते हैं, जो लोग ठीक से चल नहीं पाते, लाइक थोड़ा हैंडीकैप होते हैं, फिर वो किसी को ज़्यादा ऐसा लाइक सिम्टम्स होता है कोरोना का, सो वो लोग घर पे किट, होम किट मंगवा सकते हैं। अगर आज बुक कर जाओ तो लाइक एक या दो दिन के अंदर उनके घर पे किट आ जाती है, फिर वही रिटर्न करने की, और विद इन लाइक 72 आवर्स में आपको रिजल्ट लाइक ऑनलाइन ही मिल जाता है। सो भी हम लोगों ने टेस्ट करवाया लाइक, फिर उन लोगों ने बोला कि या 2 या 3 दिन के अंदर आपको सीधा मेल में रिजल्ट आ जाता है। सो यहाँ पे उसका कुछ वगैरह कुछ फीस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक यहाँ पे मेडिकल एकदम मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे मेडिकल का कुछ भी खर्चा नहीं होता अगर आपको कुछ भी होता है, पर एक चीज़ है आपको सुबह कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आपको मुझे अभी कुछ भी हो रहा है आज सुबह, अगर मैं उठा और मुझे कुछ भी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप सुबह कॉल करो, सुबह 8 o'clock को आपको अर्ली कॉल करना पड़ेगा, उसमें फिक्स अपॉइंटमेंट रहता है कि आज के दिन की इतनी ही अपॉइंटमेंट वो लोग बुक करेंगे। सो हम लोग अपॉइंटमेंट अगर बुक कर लेते हैं और थोड़ा सा भी लेट हुआ सो नहीं मिल सकती अपॉइंटमेंट, आपको नेक्स्ट डे ट्राई करना पड़ेगा, और बुक कर लो और फ़ोन पे बताओ कि ये चीज़ मुझे हो रहा है, फिर आपको वो लोग टाइम देंगे, वो टाइम ड्यूरेशन में डॉक्टर आपको कॉल करेगा कि हाँ आपको क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, या ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है आप सीधा चले गए हॉस्पिटल और वो लोग इलाज करेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर फिर डॉक्टर आपको फ़ोन करेगा वही दिन में, वो टाइम देंगे, अगर वो टाइम पे अगर उनको लग रहा है कि हाँ ठीक हो जाता है फ़ोन पे, सो वो लोग मेडिसिन लिख देते हैं, लाइक वो लोग वहाँ से मेडिसिन लिखते हैं और वो नियरेस्ट आपकी जो भी फार्मेसी होती है वहाँ पे आपकी मेडिसिन पहुँच जाती है और आपको वहाँ से कलेक्ट करने की होती है। ठीक है, ये तरह से कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा लाइक इमरजेंसी होता है सो आपको सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे जाओ, या एम्बुलेंस को या इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस आएगी फिर आपको वहाँ पे लेकर जाएगी, लेकिन उसका सबका इसमें किसी का कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं होता है। सो ये चीज़ यहाँ पे मेडिकल एक और से आप देखोगे तो थोड़ा सस्ता मतलब है ही नहीं, पैसा फ्री होता है, और एक तरफ से अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत फॉलो करनी पड़ती है लाइक अपॉइंटमेंट लो 8 की जगह आप लाइक 10 मिनट लेट भी हो गए और 10 मिनट के बाद कॉल करोगे तो बोलोगे अपॉइंटमेंट फुल हो गई है, आप प्लीज़ कल कॉल कीजिए, ये सिचुएशन यहाँ पे रहती है। सो अभी हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया और अभी हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँच गए, अभी वेट करेंगे 2 या 3 दिन हमारे रिपोर्ट का। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है, और अगर मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा सच में लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो का एंड, और अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।